नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाउड न्यूज। एक खबर निकल कर आ रही है कि स्थानीय शारदा स्मृति संभावना पब्लिक स्कूल मौलाबाग में शनिवार को समारोह पूर्वक मातृ दिवस मनाया गया। आरा कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय की प्रशासिका डॉक्टर अर्चना सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं, शिक्षकों, अभिभावकों तथा बच्चों की माताओं को संबोधित करते हुए विद्यालय की प्रशासिका डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि माँ संपूर्ण व्यक्तित्व और एक प्रतिभा को पनपने, उन्हें संपूर्ण विकसित करने एवं संपूर्णता देने में मदद करती हैं। माताओं का संस्कार हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है। किसी भी व्यक्ति को एक माँ 9 महीने पहले से जानती है और उसका समाज बाद में। मातृ दिवस के शुभ अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने संगीत शिक्षिका ममता सिंह के निर्देशन में आकर्षक समूह नृत्य प्रस्तुत कर दर्शक दीर्घा में बैठी अपनी माताओं के साथ साथ सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मौके पर विद्यालय के प्रबंध निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र ने ये बताया कि विगत 3 दिनों में छात्र छात्राओं के बीच कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। नर्सरी से लेकर कक्षा 5 तक के छात्र छात्राओं को 3 वर्गों में बांटकर चित्रांकन, ग्रीटिंग्स कार्ड मेकिंग और परियोजना कार्य प्रतियोगिता, जिसका विषय था माँ का बचपन, कराई गई। सभी प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को उनकी माताओं के साथ पुरस्कार एवं गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण माताओं के बीच पहेली प्रतियोगिता का आयोजन रहा। सही जवाब देने वाली माताओं को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता के दौरान माताओं का उत्साह देखने लायक था। उक्त समारोह में विगत सत्र 2022/23 में सभी वर्गों के टॉपर छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की प्रशासिका डॉक्टर अर्चना सिंह, उपप्राचार्य स्वाति सिंह और शिक्षिकाओं ने प्रांगण में उपस्थित सभी माताओं को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विद्यालय के प्रबंध निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र ने कहा कि माता पिता की सेवा, आदर और सम्मान से सफल जीवन प्राप्त किया जा सकता है। जीवन में माँ का स्थान हमेशा सर्वोपरि रहता है, इसलिए हमें अपनी माँ को हमेशा खुश रखना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका मनीषा शर्मा एवं ममता कुमारी ने किया। धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय के प्राचार्य दीपेश कुमार ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अभिभावक, छात्र छात्राएं, माताएं एवं विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। जितना भी माँ को किया जाए, जितना भी माँ को स्नेह किया जाए, जितना भी माँ को आदर दिया जाए, वह कम है। और अगर माँ कार्य करती है, अगर माँ वर्किंग है, तब तो और भी सैल्यूट करने के लायक है। लेकिन अगर माँ, हम कहते हैं कि मेरी माँ हाउसवाइफ है, तो हाउसवाइफ का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ नहीं करती है। हाउसवाइफ का मतलब ये है कि माँ बहुत कुछ करती है। माँ मैनेजमेंट कोर्स भी की हुई होती है। माँ घर को कैसे चलाते हैं वो एक सेफ भी होती है। माँ क्लीननेस कैसे की जाती है वो भी देखती है। तो इतने सारे कोर्स माँ किए बिना भी की हुई होती है, तभी वह सभी चीज़ों को बखूबी कर पाती है। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज सिटी लाउड न्यूज़ को फॉलो करें। धन्यवाद।